हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र ठीक हैं। और व्यूवर्स, सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बच्चों को सुबह नाश्ता वगैरह दिया, सफाई वगैरह। ये लो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, ये देख ले बच्चे बैठ के बड़ी मुश्किल से बैठाया इनको पढ़ने के लिए। हाँ जी, पढ़ने के लिए हाँ, सारा दिन गुजर गया। हाँ जी, और ये सिर्फ ये टैप में ही इसने PhD कर लेनी है। ये क्या हो रहा है? चलें जी, ये सारे सफाई के कल मशीन लगाई हुई थी, वो कपड़े वगैरह समेटे हैं और कपड़े वगैरह क्या बदतमीजी है। चलो मैं सब व्यूवर्स को दिखाऊंगी, ये देख लो कितनी बदतमीजे हैं, दोनों ही बदतमीजे हैं। चलें ठीक है, तो वो क्या नाम है, हम अभी चीज़ें वगैरह है ना, मैंने घर की सफाई वगैरह की है सारी, और कपड़े वॉश किए थे कल, मशीन लगाई थी, और मशीन लगा के मैंने अब आज मैंने ना कपड़े वगैरह सारी चीज़ें समेटी हैं। तो कुछ नहीं, तो इतना घर तो फल्ला धोबी काट बना हुआ था। फरवा, क्या मसला है, तू मेरी चीज़ें क्यों टच कर रही हो? आपकी चीज़ें मेरी चीज़ें, शेयरिंग इज केयरिंग। नहीं जी, ये देखें व्यूवर्स, ये हमारी है रिंग लाइट, ये मेरी सिलाई वाली मशीन, मैंने अभी बच्चों के कपड़े भी स्टिच करने हैं, ईद के अभी से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, मैं अब मैंने जाना है बाज़ार, मैंने बच्चों को खाना शाना भी खिला दिया और हम अब बाज़ार जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग कर लें फिर भी, क्योंकि रमज़ान में तो फिर निकला नहीं ना जाता, तो कोशिश मेरी हर दफ़ा यही होती है कि रमज़ान से पहले पहले मैं बच्चों की ईद की शॉपिंग वगैरह कर लूँ, उसके ड्रेसेस वगैरह ले लूँ। हाँ, तो अभी हम शॉपिंग वगैरह पर जा रहे हैं, अभी घर का सारा काम कर लिया, ये सारी चीज़ें, ये अभी मेरे थोड़े से कपड़े रह गए हैं, मैं उनको समेट लूँ, समेट के तो फिर चलें। पापा की जैकेट है? हाँ, पापा की जैकेट है। अभी मैंने सारे कपड़े की तह लगा के तो मैंने रखे हैं, ये देखो ये पिल्लो कहाँ पे फेंके हुए हैं आप लोगों ने, बच्चे तो इतना खपाते हैं, इतना तंग करते हैं, ओह माय गॉड। मैं आपको चीज, ये हमारे सारे कोट पड़े हैं, जो आपने हमारे पहले व्लॉग में देखे होंगे, सारे मम्मा ने पैक कर दिए क्योंकि अभी गर्मी आ रही, थोड़ी बहुत गर्मी आ रही है, तो हम फिर नहीं। चलो जल्दी से नमाज पढ़ लो। अच्छा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ो जल्दी से, अजवा उठ जाओ, नमाज पढ़ लो बेटा। मैंने सीधे मेरी तो सीनी लेकर कपड़े प्रेस करने वाले हैं आप लोगों के, ये प्रेस कर ले, कौन करेगा प्रेस? बस शाम को प्रेस करते हैं। चले व्यूवर्स, अब हम जा रहे हैं बाज़ार, तो फिर बाज़ार से आके फिर हम आपको दिखाएंगे अपनी शॉपिंग। मैं घर आ गई थी बाज़ार से और आके फिर मैं ये लेके बच्चों के लिए खाना शाना बना रही हूँ, दाल चावल, और आई एम वेरी टायर्ड कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो आके फिर देख लें बच्चों को खाना शाना दे रही हूँ, और बच्चों ने देखा ये फिर कितना गंद डाला हुआ है, पता नहीं क्या क्या किचन में करती रही हैं ये दोनों बदतमीज़। ये देखें ये फरवा के काम देखेंगे ज़रा, ये फरवा ने कैंडल्स बनाई हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये राइस बना रही हूँ, राइस को ये देखें, मैं ज़ीरे वाले चावल बना रही हूँ, मसाले वाले चावल बना रही हूँ, तो वो फिर राइस बना के तो फिर मैं ये क्या किया हुआ, ये यहाँ पे बोतलें क्या कर रही हैं आप लोगों की, बैग भी डाइनिंग पे पड़ा हुआ है, ये अपने कुरान पाक भी उठाओ जल्दी से, ये क्या खा रही हो? अल्लाह, ये क्या बनाया है? ये फरवा के काम देखें गाइस, ये इसने बनाई है गुड़ की गचक, है ना, अभी तो बनाई है उसने, अभी उसको फ्रीज तो होने दो, उसको अलग, ये तो कैरामेल बन गया, कैरामेल खा रही है ना, वही लग रहा है ना, इसको बेटा अभी फ्रिज में रखो, ठंडा हो जाएगा फिर वो क्रंची सा बनेगा। वो ब्लैंकेट कहाँ भी जा रहा है, ये चीज़ें देखो, ये सारा मैं समेट के गई थी ना गंद, ये देख लें शहजादे को, ये यूनिफॉर्म यहाँ पे पड़े हुए थे, उफ अल्लाह माय गॉड कितना गंद डाला है। चलें गाइस, मैं आपको बाद में मिलती हूँ जी। गाइस ये देखिए, हमारा डिनर तैयार हो गया है, हम दाल चावल बनाए थे वो खाने लगे हैं, तो
हंस, चलो जल्दी से उठ जाओ हसनैन, चलो खाना खाओ, उठ जाओ, चलो फरवा बैठो। चलें गाइस हम खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। Six hours later. गाइस तो हम लंच डिनर से फारग हो गए थे, तो वो थोड़ी सी टेंशन पड़ गई, मेरी अम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई, तो इसलिए ना वो मैं एंडिंग नहीं कर सकी। अब भी अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो दुआ कीजिएगा और जो हमें दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ मेरे सब व्यूवर्स से दुआ सके, दुआ कीजिएगा मेरी अम्मी बहुत जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।